तो मालदीव के प्रेसिडेंट जो अभी इस समय प्रेसिडेंट है मोहम्मद म्यूजी, उन्होंने बोला है कि इंडिया के साथ हमें डायलॉग होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि उनके ऊपर जो डेब्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है। $8 इंडिया ने दे रखे हैं, तो क्या देखते हैं कि इंडिया से कैसे बात करेंगे। और ये वही है कि इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सी करने के बाद अब फिर से वो हमारे पास आ गए। ये पता चलता है कि कभी भी आपको इतनी ज़्यादा किसी भी कंट्री के साथ दुश्मनी नहीं मोल लेनी चाहिए या कैसे आपको हैंडल करना चाहिए। क्योंकि वो जहाँ के मालदीव के प्रीवियस प्रेसिडेंट जो इब्राहिम सॉली है, उन्होंने बोला है कि स्टबननेस आप छोड़ो और आप अपनी कंट्री के ऊपर फोकस करो कि कैसे आप डेथ रिलीफ आ सकते हो। चाइना से $16 बिलियन का है, इंडिया से $8 बिलियन का है, कैसे और ज़्यादा हेल्प हो सकती है ताकि कंट्री प्रोग्रेस कर सके, ना कि वो कर्जे में।